हम सभी अपने कर्मों द्वारा बनाए गए भाग्य की कठपुतली हैं। सच आज इसे बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत बारीक चीज़ों को कवर करने वाला हूँ। बहुत गहरा रिसर्च है गुरुओं द्वारा सिखाए हुए, भगवद गीता की भी कुछ बातों को समझाऊंगा और अपने जीवन के अनुभव से जो मैंने देखा है उसे भी मैं आपको बताऊंगा। नमस्ते जी, मैं हूँ मयंक धरेवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीरो। दोस्तों, हम यहाँ सीखते हैं अपनी लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम को हील करना, जिसे सीख कर आप अपनी पर्सनल और सोशल लाइफ में ग्रो करते हैं, वो भी हैप्पी वाले अंदाज में। एक छोटी सी कहानी से हम शुरू करते हैं। एक बार एक गांव के मुखिया ने कहीं जाते हुए किसी एक इंसान को चोरी करते हुए देखा, चोरी करके भागते हुए देखा। और उस मुखिया जी ने उसका चेहरा देख लिया, वो उसे पहचान भी गए कि ये इंसान चोरी करके भाग गया। ठीक है, अगले दिन मुखिया जी के सामने केस आया, गांव का पंचायत में केस आया और सारे लोगों ने एक दूसरे इंसान को चोर साबित कर दिया किसी भी कारण से, लेकिन सारे सबूत उस इंसान के अपोजिट आ रहे थे। अब सबूतों और गवाहों के हिसाब से दूसरा बंदा चोर है और असल में चोरी कौन किया है ये मुखिया जी जानते हैं। तब मुखिया जी बेचारे कश्मकश में फंस गए। तो मुखिया जी इसको साइड लेकर के गए और अकेले में चर्चा किए और बात किए कि जो भी इसका नाम था रमेश भाई, ये क्या, मैं जानता हूँ कि आपने चोरी नहीं की है, लेकिन आप मुझे दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या आपने जीवन में कभी भी कोई चोरी किया है, जीवन में कभी भी कोई गलत काम किया है? तो मुखिया जी मतलब कर्मों के सिद्धांत को समझते, समझदार थे, तभी गाँव के मुखिया थे। तो वो जो रमेश था वो अपने जीवन में सुधर चुका था, वो पहले बुरा आदमी हुआ करता, वो पहले चोर हुआ करता, बहुत चोरी किया है उसने, और वो अपने जीवन में सुधर चुका है और वो भी अब कर्मों को समझने लगा है। तो अब रमेश ने उन्हें बताया मुखिया जी को कि मुखिया जी हाँ बात सही है कि पहले कई बार मैंने चोरियाँ की है और ये तो बहुत छोटी चोरी का आप मेरे पर आरोप लगाए, मैंने तो बड़ी बड़ी चोरियाँ की है और ठीक है इस चोरी को मैंने नहीं किया, आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैंने पुरानी चोरियाँ तो की। तो मुखिया जी को ये रियलाइज़ हुआ कि ये पहले चोरियाँ किया है, तब वो बच गया था, लेकिन अब इस चोरी के लिए वो फंस गया जो चोरी उसने की भी नहीं। तो आपको बात समझ में आ रही है कि कर्मों के फल मिलते हैं, तुरंत नहीं मिलते। अगर कर्मों के फल तुरंत मिलने शुरू हो जाते हैं ना, तो दुनिया बहुत सुंदर हो गई होती। कर्मों के फल कभी कभी कुछ महीनों में, कभी कभी कुछ सालों में, कभी कभी एक दशकों में, कभी कभी अगले जन्मों में भी कर्मों का फल मिलता है। हमारा ज्ञान और हमारा प्रारब्ध हमेशा हमारे साथ चलता है, जीवात्मा के साथ चलता है। जो भी ज्ञान हमने अपने जीवन में इकट्ठा किया है और जो भी कर्म हमने अपने जीवन में इकट्ठे किए हैं वो हमारे साथ चलता है, हम उसे ही लेकर के आए हैं। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कोई इंसान इतनी छोटी सी उम्र में इतना ज्ञान कैसे कर रहा है कि अपने से बड़े बड़े उम्र के लोगों को, लोग उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं। कहाँ अमिताभ बच्चन और कहाँ धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर धाम वाले बाबा जी। अमिताभ बच्चन उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग उनके चरण स्पर्श कर रहे हैं, ये कहाँ से कि 26-27 साल की उम्र में ये ज्ञान कहाँ से? नहीं, कई जन्मों का है वो, कई जन्मों से वो सेवा कर रहे हैं, कई जन्मों से अपना काम कर रहे हैं, तो ये ज्ञान उनको उस तरीके से है। वैसे ही कर्म, उनके पुराने कर्म इतने अच्छे थे, उन्होंने गुरुओं की इतनी सेवा की थी, उन्होंने इतने जप किए, उतने नाम जप किया है, उन्होंने साधना की है अपने इष्ट की, जिन्हें बजरंग बली की उन्होंने साधना की, तो वो फल उन्हें इस जन्म में मिला। वो कोई ये मत देखिए कि इतना यंग लड़का गुरु बना लिया है। बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा जो नहीं मानते सब चीज़ों में कि कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, कल के लड़के के सामने झुक रहे। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, हमारे कर्मा हमेशा हमारे साथ चलते हैं। अब एक समझना, यहाँ पर मान लेते हैं कि एक यू शेप का पाइप है, ऐसे खोखला पाइप है और यही आपके कर्मों को धारण कर, इस साइड से अच्छे कर्म आते हैं, इस तरफ से बुरे कर्म आते हैं, पकड़ में ही बात। अब जब भी आप बुरा कर्म करेंगे यहाँ से घुसेगा और जब भी आप अच्छा कर्म करेंगे यहाँ से घुसेगा। तो जब भी आपके अच्छे कर्म बढ़ने लगेंगे, आपने जीवन में बुरे कर्म किया यहाँ तक बुरे कर्म हो चुके, 80-90% बुरे कर्म हो चुके हैं, तो क्या हुआ, आपके पास अच्छे कर्म पिछले समय से, पिछले जीवन से आपने अच्छे कर्म इकट्ठे करके लाए हुए, कर्म और प्रारब्ध
आपके साथ होते हैं ना, तो अच्छे कर्म आपके पास भरे हुए हैं, आप इस जन्म में आप बुरे कर्म कर रहे हैं, आपने आप लोग इस चीज़ के साक्षी हैं कि आपको कई बार ऐसा लगता है कि ये तो इंसान इतना बुरा है, इतने पाप कर्म कर रहा है, इतने बुरे बुरे काम करता है, फिर भी इसके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, ऐसे गाड़ी है इसके पास, बंगला है इसके पास, नौकर चाकर हैं इसके पास, महंगे महंगे ज्वेलरी पहनते हैं, महंगे महंगे जगहों पर घूमता है, क्यों? तो और इसके कर्म इतने ख़राब हैं इस इंसान के। तो ये वही है कि आपके पास इतने सारे अच्छे कर्मों का, आपने जो इधर से अच्छे कर्म भरे हुए हैं पाइप में, जो गाड़ी बंगला पैसा रुतबा के रूप में आपको दिख रहा है, और उनके बुरे कर्म बढ़ते जा रहे हैं। इसके ठीक अपोजिट आपने कई बार देखा हो कि ये इंसान तो हमेशा भक्ति भाव में रहता है, हमेशा अच्छे कर्म कर रहा होता है, वो आप आज का देख रहे हो, पुराना का नहीं देखे हो। इसके पास भरे हुए बुरे कर्म हैं पिछले समय से, या इसी जीवन में अपनी जवानी में किए हुए बुरे कर्म हैं, तो अब वो अच्छे कर्म करना शुरू किया, वो जप नाम जप कर रहा है, वो क्षमा प्रार्थना ध्यान कर रहा है, वो दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है, गुरुओं की सेवा कर रहा है, तो अब उसके अच्छे कर्म बढ़ते जा रहे हैं। तो अब इस तरफ से क्या हो रहा है, इस दिशा से क्या हो रहा है, उसके बुरे कर्म गिरने शुरू हो रहे हैं, मतलब अच्छे कर्म बढ़ते जा रहे हैं और बुरे कर्म गिरने शुरू हो गए हैं। तो बुरे कर्म गिर रहे हैं तो बुरे कर्म हमें दिख रहे हैं, तो हमको क्या लग रहा है कि ये इंसान इतना अच्छा कर रहा है, सबकी सेवा करता है, इतना इतना पूजा पाठ करता है, इतने अच्छे कर्म करता है, इतना शांत मन का आदमी, कभी इसने किसी का कुछ गलत करते हुए हमने नहीं देखा, कभी बुरी बात करते हुए देखा, फिर भी इसके इतना बुरा हो रहा है, ये क्या न्याय है परमात्मा, ये कैसा न्याय है? परमात्मा तो न्याय करने के लिए बैठे ही नहीं है जी, परमात्मा के पास इतना तुच्छ समय नहीं है कि एक एक इंसान के लिए न्याय करते बैठे रहें। एक सॉफ्टवेयर बन गया है, एक पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है, जैसे कि फेसबुक है, जैसे कि इंस्टाग्राम है, जैसे कि यूट्यूब है। सोचो एक अदने से इंसान लोग इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर बना देते हैं। अब भाई आज के डेट में आप इंस्टाग्राम में किसी को फोटो भेजोगे तो उसका इंस्टाग्राम का जो मालिक है मार्क जकरबर्ग, तो वो बैठेगा क्या रात को कंप्यूटर खोल के, अपने लैपटॉप खोल के, कि हाँ कि मयंक धैर्यवान ने विभूति मिश्रा जी को ये फोटो भेजा है तो उनको सेंड करना हमारा काम है? नहीं, वो सब सॉफ्टवेयर के अंदर हो रहा है। तो कर्म और कर्म के फल भी पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर बैठे हुए। आज जो आपने किया कुछ समय बाद उसका फल आपको मिलेगा। आज आप जो भी भोग रहे हो अपने पुराने किए हुए को भोग रहे हो। आज मेरे पास इतना अच्छा समय है, एज अ मयंक धैर्यवान मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास इतने इतने लोगों का प्यार है, आप लोगों का प्यार है, इतने लोग मुझे फॉलो करते हैं, इतने लोग मेरी बातें सुनते हैं, मेरे पास घर है, माँ बाप हैं, परिवार है, गाड़ी है, अच्छी जगह पर मैं रहता हूँ, मुझे साफ साफ पेड़ पौधों की साफ हवा मुझे मिलती है, हाँ जिस जगह पर मैं रहता हूँ वहाँ बहुत पेड़ पौधे हैं, मुझे साफ़ पानी पीने को मिलता है, मेरे पास अच्छे दोस्त हैं, मेरे लोगों के साथ संबंध इतने अच्छे हैं, क्यों? क्योंकि पिछले समय में मैंने अच्छे कर्म किए थे, वो मुझे मिल रहे हैं। अपने जीवन में अभी हाल फिलहाल में कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कर्म के फल के बारे में, मतलब मेरा चेहरा पूरा जल गया था, पूरा जल गया था। तो मेरे कोई कर्म थे, मेरे कोई ऐसा कर्म मैंने किया होगा जिसका फल मुझे मिला। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है, ये समझने वाली बात ये है कि जब आपको आपके पुराने समय के बुरे कर्मों के फल आपको मिल रहे हैं और उस समय आप अच्छा कर्म कर रहे हैं, परमात्मा आपका साथ देते हैं। एक और सॉफ्टवेयर है उनका, जब वो आपके लिए हैक्स देना शुरू करते हैं, वो आपके लिए चीटिंग करना शुरू करते हैं, आपकी कर्म को भोगने के लिए आपकी चीटिंग करना शुरू करते हैं। नहीं तो 20-22 दिन में इतना बुरा जला हुआ चेहरा रिकवर नहीं होता है किसी का, नहीं होता है। 20-25 दिन ही हुए हैं सब मिला करके, 22-25 दिन हो रहे हैं। वो जो घटना मेरे चेहरे पे हुई थी, पूरा चेहरा नाक से लेकर ये चल गया था, इंस्टाग्राम में आप लोग देखे हैं, आप सब लोगों की दुआएं बहुत मिली थी उस समय मुझे, वो भी एक कारण है कि बहुत जल्दी रिकवर हुआ। तो जब आप अच्छे कर्म करना शुरू कर देते हैं तो लोगों की दुआएं आपको मिलनी शुरू हो जाती है, तो परमात्मा आपके साथ आपके लिए चीटिंग करते हैं, वो एक ऐसा तरीका खोज के लाते हैं कि जिसमें आपका कर्म भी कट जाए और आप की सजा भी पूरी हो जाए। तो कभी भी जीवन में आप दुख भोग रहे हैं वो अच्छे के लिए है, अच्छा है, वो कट जान दो। सुख भोग रहे हैं, बहुत सही समय है आपके पास, सुख के समय में तो ज़्यादा अच्छे कर्म किए जा सकते हैं, आप अपने अच्छे समय में नाम जप कर सकते हैं, आप अच्छे समय में परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं, आप अच्छे समय में दान पुण्य कर सकते हैं, आप अच्छे समय में लोगों के साथ अच्छा बर्ताव कर सकते हैं, कुछ नहीं।
लोगों के लिए कुछ अच्छा बोल सकते हैं, हाँ कोई दुखी इंसान उसके साथ बैठ के उसको दिलासा दे सकते हैं, किसी के बुरे वक्त में शामिल होकर के उनकी हेल्प कर सकते हैं, इमोशनली उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, ये सब अच्छे कर्म हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब काम छोड़ कर दान पुण्य करो, बहुत पैसा लुटाओ, नहीं नहीं मत करो, जो हो सकता है वो करो। अपने अच्छे कर्म को अपने अच्छे समय में बढ़ाइए ताकि आपके अच्छा आपका अच्छा समय चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे। और अगर किसी के भी लाइफ में अगर आज बुरा समय चल रहा है तो स्वीकार कर लीजिए कि ये आपके ही कर्मों का फल है। अपने आप को दोषारोपण करने की ज़रूरत नहीं, हाँ मैं ही दोषी हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसे हुआ, ऐसे करोगे तो और नहीं, तब तो फिर आप अपने आप के साथ गलत कर्म कर रहे हो। बहुत खतरनाक होता है खुद को दोषारोपण करना। बस स्वीकार कीजिए कि जो हो रहा है परमात्मा जाने अनजाने गलती से मुझे जो हो गया है मुझसे उसके लिए मुझे क्षमा दान दे। क्षमा प्रार्थना ध्यान सबसे अच्छा तरीका है, इसलिए रोज़ रात को क्षमा प्रार्थना करके सोइए अपने जाने अनजाने किए भूलों के लिए, क्योंकि जाने अनजाने किए भूलों के लिए अगर आप क्षमा दान मांगोगे तो जानबूझ के भूल नहीं करोगे, क्योंकि हर रोज़ आपको एक बोध है आपके अपने सॉफ्टवेयर में रोज़ एक चीज़ इम्प्रिंट हो रही है कि गलत काम नहीं करना है, अच्छे कर्म करना है। ठीक है, तो आज जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं बहुत भाग्यशाली हैं आप, कि आपको पता है कि अच्छे कर्म क्या होते हैं बुरे कर्म क्या होते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को बुरे कर्म क्या होते हैं ये भी नहीं पता, वो बस किए जा रहे हैं, वो बस जीवन में बह रहे हैं, वो सब बस बहते जा रहे हैं बहते जा रहे हैं बहते जा रहे हैं, और उन्हें इस बात का आभास भी नहीं कि बुरे कर्म कर रहे हैं। हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें ये आभास है कि हमें पता है कि अच्छे कर्म क्या होते हैं बुरे कर्म क्या होते हैं, अच्छे कर्म करना अच्छा होता है और बुरे कर्म करना अच्छा नहीं होता है। तो आशा करता हूँ ये कर्म का एक भेद आज आपको समझ में आया। ऐसे ही अच्छे अच्छे अध्यायों में मैं आप लोगों को बहुत कुछ सिखा रहा हूँ सिखाता रहूँगा। मिलते हैं अगले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते जी।